सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेम्स पॉटर को जादुई जोगा कैसे मिला। जैसे कि हमें हैरी पॉटर सीरीज़ में दिखाया गया है कि तीन भाई थे, जिनमें से एक भाई इग्नोटस पेवरल, उसे जो है जादुई जोगा खुद मौत ने गिफ्ट किया था, और बाकी के दो भाइयों को भी जो है तोहफे दिए गए थे। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, थ्री ब्रदर्स से रिलेटेड, आप लोग ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो अगर ये जादुई जोगा पेवरल ब्रदर्स के पास था, तो ये पॉटर्स के पास कहाँ से आ गया, इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी कीमती चीज क्यों ना हो, चाहे वो मुगलों के संसार में ही क्यों ना हो, अगर वो कीमती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहेगी, अगर पहले ही किसी ने उसे नष्ट नहीं कर दिया या उसे बेच नहीं दिया। जनरेशन टू जनरेशन के बारे में तो हमें भी पता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी पर आने वाले समय में उसके बेटे का हक हो गया जब वो मर गया, और आने वाले समय में उसके बेटे ने एक बिजनेस इकट्ठा कर लिया, तो जो उसका भी बेटा होगा उस बेटे पर, उस ज़मीन पर भी कब्जा होगा और उस बिजनेस पर भी उसी का हक होगा। ठीक इसी तरह से ही ये चीज़ यहीं पर ही है। चाहे वह स्लेजर स्लिथरिन की अंगूठी क्यों ना हो जो पास होते होते वोल्डेमॉर्ट के पास आ गई, और चाहे वे पेवरल का जादुई जोगा हो जो पास होते होते हैरी पॉटर के पास आ गया। पर दोस्तों, पेवरल से पॉटर कैसे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पॉटर्स का दूर दूर से पेवरल के साथ कोई भी संबंध नहीं था, ना ही पेवरल्स पॉटर्स आपस में दोनों वंशज थे, और ये जनरेशन टू जनरेशन भी नहीं थे, ना ही ये एक दूसरे की पीढ़ियाँ थी। तो दोस्तों, ये जादुई जोगा फिर जेम्स को कैसे मिल गया और जेम्स से फिर हैरी को कैसे मिल गया, तो चलिए पूरी बात अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, तीन भाई थे जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम दो भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं, कैडमस पेवरल और इग्नोटस पेवरल। पहले इग्नोटस पेवरल के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नोटस पेवरल की जो पोती थी, मतलब ग्रैंड डॉटर थी, लोलेंथी पेवरल, तो उसे जो है हैरी पॉटर के वंशज के साथ प्यार हो गया, जिसका नाम था हार्डविन पॉटर। ये दोनों लोग जो है वो गॉडरिक हेलो में काम करते थे, और वहीं पर ही इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई, और समय के साथ साथ दोनों में आपस में प्यार बढ़ने लगा, और आने वाले समय में इन दोनों ने शादी कर ली थी। इस तरह से पॉटर्स का कनेक्शन जो है पेवरल्स के साथ हो गया था। अब इग्नोटस की ग्रैंडडॉटर ने जो है हार्डविन को ये बताया कि उनकी पीढ़ी में अब कोई भी मेल नहीं है, जिसकी वजह से ये एक जादुई जोगा है जो कि तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। ये हमारी पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, लेकिन अब कोई भी मेल नहीं है, तो इस वजह से ये तुम्हें रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसके चलते पेवरल फैमिली से जादुई जोगा पॉटर फैमिली में आ गया। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को जनरेशन टू जनरेशन का प्रोसेस बता ही दिया है, उसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा जादुई जोगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहा। उसी तरह से ये हैरी पॉटर के दादाजी को भी मिला, और उसके बाद ये जेम्स को मिल गया। और बात करें कि जेम्स को कहाँ से मिला, तो भाई उसी के ही पिताजी ने, यानी कि हैरी पॉटर के दादा ने ही जेम्स को ये दे दिया। और दोस्तों, डंबलडोर ने भी जो है मौत के तोहफों के बारे में पता हुआ था, तो जैसे ही डंबलडोर को पता चला कि जादुई जोगा जो है जेम्स के पास भी है, तो उन्होंने जेम्स से भी इसे एक बार मांगा था इसे रिसर्च करने के लिए इसके ऊपर कि इसमें है क्या। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये हैरी पॉटर के पास कैसे आ गया। अब दोस्तों, जादुई जोगा ये जेम्स के पास है, और ऐसी चीज़ जो है काफ़ी कम लोगों को पता होती है, यानी कि जेम्स के कुछ खास लोगों को ही ये सारी चीज़ें पता थी, जिनमें से एक डंबलडोर भी थे। तो जब जेम्स मर गया, तो ये जादुई जोगा डंबलडोर ने फिर हैरी पॉटर को दे दिया था। जेम्स के मरने के बाद जादुई जोगा जो है डंबलडोर ने अपने ही पास रखा था। उसके बाद ये 1991 में क्रिसमस के दौरान हैरी पॉटर को दे दिया गया था। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा जादुई जोगा था जिसे मौत ने खुद बनाया था। मौत का जादुई जोगा था, तो ये रेयर तो होना ही था, और काफ़ी ज़्यादा जादुई जोगे कॉस्टली भी आते थे, और जादुई दुनिया में तो जादुई जोगे जो है काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इग्नोटस पेवरल से हैरी पॉटर तक जादुई जोगा पहुंचा कैसे। आप लोगों को समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बता देता हूँ। जब मैं जादुई जोगा के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे पता चला, मैंने भी इतना दिमाग नहीं लगाया। आप लोगों को पता होगा, कैडमस पेवरल के वंशज में वोल्डेमॉर्ट भी आ जाता है, और इनडायरेक्टली इग्नोटस पेवरल के वंशज में हैरी पॉटर भी आ जाता है, यानी कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट। ये तो पता ही नहीं भाई है, कज़न है, चाचा भतीजे है, क्या है, लेकिन हाँ, रिश्तेदार तो ज़रूर है, क्योंकि इग्नोटस की जो पोती है उसकी शादी जो है पॉटर के पीढ़ी में हो जाती है, जिस वजह से पॉटर की पीढ़ी और पेवरल की पीढ़ी आपस में जो है रिश्तेदार के रूप में आ जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, तो जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर रिलेटिव्स है,
कितनी अजीब बात है भाई, ये भी मुझे कल ही पता चली थी जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। और जिन लोगों को लगता है मेरी वीडियो कॉपी है, उनके लिए ये एक वॉल्ट।